12 जून 2019 को मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पिलर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका लिंक आप ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं अगर आपको वो वीडियो पूरा देखना है तो। इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन पैकेज 3 का है जो कि एलिवेटेड रोड है। उस रोड का एलिवेटेड रोड जो है, जो पिलर जहाँ खड़े होंगे और पिलर के ऊपर जो रोड होगी, उस रोड का काम शुरू हो गया है पैकेज 3 में, तो उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। और दिल्ली और गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है जो पिछले 13 सालों से रुकी हुई थी, उसके बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसे सुनकर आपको रिलीफ आ जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ हमारे राइट हैंड साइड में ये दिल्ली है, लेफ्ट हैंड साइड में गुड़गांव है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है गुड़गांव का पैकेज 3, वो यहाँ से शुरू होकर बसई रेल ओवर ब्रिज से पहले ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो इस जगह का है। यहाँ पे सेक्टर 110 है, ये सेक्टर 109 है। तो वो वीडियो इस जगह का मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब जो आप वीडियो देखेंगे उसमें 25 मई से लेकर 9 जुलाई तक के अलग अलग वीडियोस आपको दिखाऊंगा एक ही जगह के, सो डैट आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सके कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है वहाँ पे। तो ये वीडियो जो है ये 25 मई 2019 की है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपको कुछ पिलर्स और सरिये दिख रहे होंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे अंदर जाके आपको एक राउंड लेके भी दिखाता हूँ कि क्या काम हो रहा था 25 मई 2019 को। सामने सेक्टर 109 है और यहाँ पे काफ़ी सारा ये कमर्शियल हब है, तो यहाँ पे आपको कुछ मॉल्स भी दिखेंगे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी। और ये उस समय का है जो आज से 1-1.5 महीने पहले का वीडियो है, तो आपको यहाँ पे पिलर्स खड़ी हुई नहीं दिखेंगी। सामने ये इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ पे टर्न लूँगा और आपको दूसरे साइड दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा था उस वक्त, सो डैट आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सके कि अभी के वीडियो में और उस वक्त क्या था आज से 1-1.5 महीना पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिलर आपको दिख रहा है यहाँ बीच में राइट हैंड साइड में, तो पिलर कंक्रीट नहीं था, वो सिर्फ सरिये थे वहाँ पे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो दिखाऊंगा वो 2 जून 2019 का वीडियो दिखाऊंगा। सामने आप पिलर देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये वीडियो 2 जून 2019 की है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 110 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि शटरिंग का काम शुरू हुआ है। अभी आप जैसे आगे वाले पिलर पे देखेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि शटरिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और वो जो फर्स्ट पिलर ऑफ होप है, जो पिलर को कंक्रीट किया गया था, ये उससे पहले का प्रोसेस था यहाँ पे जो 2 जून को हो रहा था। तो आप सामने अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपको राइट हैंड साइड में एक ब्लू कलर का कॉन्क्रीट होता हुआ, शटरिंग होता हुआ आपको दिखेगा एक पिलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट पिलर है, जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे का फर्स्ट पिलर आप कह सकते हैं, जिसे खड़ा किया गया था। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये शटरिंग का काम चल रहा था 2 जून 2019 को। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा वो 8 जून 2019 की है। तो यहाँ पे ये वीडियो 8 जून 2019 की है। इसी वीडियो को मैंने 12 जून को अपलोड किया था एडिट करके, जहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट पिलर दिखाया था कि यहाँ पे फर्स्ट पिलर बन गया है, ये इसे इरेक्ट किया गया है, कंक्रीट कर दिया गया था इस पिलर को। तो ये इस पिलर का नाम मैं सोचता हूँ कि ये पिलर ऑफ होप है, जो हम सबको होप देती है कि द्वारका एक्सप्रेस वे डेफिनेटली कम्प्लीट होगा। और जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे आपको ये यकीन हो जाएगा। तो अब ये आपने 8 जून का वीडियो देखा जहाँ पे इसे कंक्रीट कर दिया गया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ वो 1 महीने के बाद का वीडियो दिखाता हूँ, 5 जुलाई 2019। अभी मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फर्स्ट पिलर के पास काम होता हुआ दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, कुछ नया दिखा मुझे तो मैंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद पूछा NHAI से, ये कन्फर्म किया NHAI से कि ये क्या काम चल रहा है। तो मुझे पता चला कि ये शटरिंग का काम है, जो एलिवेटेड रोड बनेगा इन पिलर्स के ऊपर। तो ये पहला काम यहाँ से शुरू हुआ है पैकेज 3 का। नेक्स्ट वीडियो में आपको और करीब से दिखाता हूँ।
तो इस वक्त मैं दिल्ली के तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 110 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है। ये आप क्लोजअप देख सकते हैं। शटरिंग को इनिशियल स्टेज में जो फिक्स करते हैं वो पिलर के वहाँ पर फिक्स किया जा रहा है क्रेन के थ्रू। और अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा वो बिल्कुल रिसेंट वीडियो है 9th of July 2019 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और भी पिलर्स में शटरिंग का काम शुरू हो गया है, उसको इरेक्ट करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसको सीमेंटेड किया जा रहा है। तो सिमिलर यहाँ पे अब आपको 3-4 पिलर दिख रहे होंगे जहाँ पे सीमेंटेड कर दिया गया है पिलर्स को। यहाँ पे एक पिलर को ऑलरेडी सीमेंट वहाँ पे भरा जा रहा था जो आपने देखा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि शटरिंग का काम और थोड़ा एडवांस स्टेज में आ गया है और ये सारा जो है वो एलिवेटेड रोड के लिए है। तो इन पिलर्स के ऊपर जो द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड होगा ये उसका काम शुरू हो गया। मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ। तो दोबारा से ये वीडियो प्ले किया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लेबर्स भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और शटरिंग का काम अभी शुरू हुआ है। बहुत एडवांस स्टेज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन काम शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर ही जो एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे है वो बनेगा। तो फर्स्ट पिलर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर ही ये काम शुरू हुआ है, पैकेज 3 में ये काम शुरू हुआ है। अब आते हैं पैकेज 2 के ऊपर, और पैकेज 2 का जो आपको गुड न्यूज़ है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मैं जो आपको वीडियो दिखाऊँगा वो और जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दिल्ली के बारे में दूंगा, दिल्ली के सेक्शन के बारे में। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये, और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है यही वो पैच है जो अभी तक बना नहीं है। और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये बंद रोड है, ये कॉन्क्रीट कर दिया गया है। फिलहाल जो मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा वो इस एरिया से वीडियो दिखाऊँगा, इस सेक्शन से। ये जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है ये सेक्शन, इसका डिस्टेंस सिर्फ 400 मीटर है। तो वीडियो पहले आप देखिए और फिर मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 28th of April 2019 की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेड एंड है, अगर हम द्वारका सेक्टर 22 की तरफ से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे में जब एंटर करते हैं तो कुछ 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो रास्ता खेतों में ख़त्म हो जाता है, डेड एंड पे ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होता है वहीं पे ये हाई टेंशन वायर्स हैं और ये टावर है। तो ये काम जो है वो हाई टेंशन जो वायर्स हैं वो काफ़ी नीचे लटके हुए थे, तो इन्हें ऊपर करने का काम किया जा रहा है। तो मैं उस वक्त वहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा आप सबके लिए ये वीडियो बना लूँ, बट कभी मौका नहीं मिला इस वीडियो को अपलोड करके आपको डिटेल में बताने की। बट अब वो टाइम आ गया है जब मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए, तो मैं ये सब आपसे शेयर करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई टेंशन वायर है उसको कैसे ये ऊपर खींच रहे हैं, टाइट कर रहे हैं और कुछ ऊपर कर रहे हैं, सो डैट यहाँ पे जब रोड बने तो ये हाई टेंशन वायर किसी तरीके का प्रॉब्लम ना करे रोड के लिए। हालांकि ये जितना भी ऊपर हुआ है अभी NHAI शायद इसको और ऊपर कर सकती है बेस्ड ऑन देयर प्लान्स कि रोड कितना ऊंचा है या नीचा है। फिलहाल यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स को ऊंचा किया जा रहा था, ये इनका एक नॉर्मल एक्टिविटी था शायद दिल्ली गवर्नमेंट का, जहाँ पे जितने भी हाई टेंशन वायर्स है, जो लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर्स हैं उनको ऊपर करने का काम करी थी, तो इसे ये ऊपर कर दिया गया है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब मे बी जब इसे टेक ओवर किया जाएगा तो NHAI इसे मे बी और ऊपर उठाए इस हाई टेंशन वायर को। तो मुझे ये काफ़ी अलग सा लगा था, मैंने कभी होते हुए देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आप सब ने भी नहीं देखा होगा ऐसा हाई टेंशन वायर को कैसे ऊपर करते हैं, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना लिया था उस वक्त। अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 13th of June 2019 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें श्री अरविंद केजरीवाल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे और वहाँ पे उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ जो होम बायर्स थे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के थे। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फाइल है वो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं अप्रूव कर रही है। अगर इसका पूरा वीडियो आपको देखना है तो ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में लिंक है, आप उसे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। गुड न्यूज बताने से पहले ये छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रैफिक है उसकी वजह से, तो सर इससे एक प्रोजेक्ट बहुत दिनों से दिल्ली सरकार के पास लटका हुआ है, बहुत दिनों से सर, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मुझे याद है वो गडकरी साहब का फोन आया था, हम लोगों ने मुझे याद है जनवरी या फरवरी में क्लियर कर दिया था सर। वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस तो अभी तक नहीं मिला है। फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा दिया था मैंने सर, वहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे बिल्कुल भी वर्क नहीं है। पता कराता हूँ कहाँ फंसा हुआ, मैं पता कराता हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली के जो CM है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोला कि मैं कल पता कराता हूँ, और वाकई में उन्होंने 1 या 2 दिन के अंदर ही फाइल को अप्रूव कर दिया वहाँ से। और उसके बाद श्री नितिन गडकरी जी ने ये ट्वीट किया कि उनकी मीटिंग हुई दिल्ली के LG श्री अनिल बैजल जी के साथ, जिसमें उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में और UER2 के बारे में 20 जून 2019 को उनके साथ डिस्कशन करा। मुझे पूरा यकीन है कि
मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आप सबको गुड न्यूज़ मिल जाएगा। और मेरी NHAI और नितिन गडकरी सर से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पार्ट है जहाँ पे डेड एंड है द्वारका एक्सप्रेसवे का, द्वारका के साइड से अगर हम दिल्ली के साइड से गुड़गांव की तरफ फेस करते हैं, तो इस डेड एंड से जो कापासेड़ा बिजवासन रोड है उसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 400 मीटर है। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो एलिवेटेड रोड है वो बनने में दो साल का समय है, लेकिन अगर इस 400 मीटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो कापासेड़ा बिजवासन रोड के पास ऑलरेडी बंद रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के साइड जाने की कनेक्टिविटी है। तो अगर इस रास्ते को 400 मीटर पैच को दो या तीन लेन का बनाकर टेम्प्रेरी कनेक्टिविटी दे दिया जाए जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, तब तक हम सबको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नितिन गडकरी सर, अब तक आपने हमारी सारी बातें मानी हैं और उस पर काम भी किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टेम्प्रेरी कनेक्टिविटी है जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है तब तक ये टेम्प्रेरी कनेक्टिविटी हमें दे दे, सो डैट दिल्ली से गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो जाए द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू। वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप भी ये टेम्प्रेरी कनेक्टिविटी चाहते हैं दिल्ली और गुड़गांव के बीच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक बेल बटन है उस पर भी क्लिक करके बेल बटन पर हिट कर दीजिए, सो डैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।